दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज हमारे पास है हीरो की स्प्लेंडर आई स्मार्ट का BS6 मॉडल और इसे हम 2020 मॉडल भी कह सकते हैं और इसमें बहुत से ऐसे नए चेंजेस हैं जो इस बाइक को काफ़ी खास बनाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो पुरानी वाली BS4 मॉडल आई स्मार्ट थी उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा क्योंकि इसके सारे स्पेक्स जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक एकदम न्यू है और इसके बारे में आपको जानना चाहिए काफ़ी विस्तार से। तो अगर आप प्लान करने वाले हैं तो अपनी लिस्ट में आप इस बाइक को भी शामिल कर सकते हैं, एक टेस्ट राइड लेने के बाद आप इस बाइक को चाहें तो ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों इसमें आपको 6 न्यू सेंसर्स मिल जाते हैं, ये काफी सही चीज है कि इसमें जो 6 न्यू सेंसर्स हैं वो इसके FI यानी कि प्रोग्राम्ड FI पे बेस्ड है। अब वो सेंसर्स कौन कौन से हैं ये भी आपको वीडियो में हम पूरा विस्तार से बताएंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले इसका कलर देखिए आप, ये आपको ग्रे कलर है, काफी खूबसूरत लगता है देखने में, बहुत से लोगों को ये पसंद है कलर। और इसके अलावा इसके दो कलर और आपको मिल जाएंगे मार्केट में जिसमें आपको रेड और ब्लू दो कलर और मिल जाएंगे, तो टोटल इसके आपको 3 कलर हैं। तो तीनों कलर में जो आप चूज करना चाहो, अभी एजेंसी पे सिर्फ 1 कलर है, जैसे ही नए कलर आएंगे भाई आपका वीडियो जो है रेडी कर देगा। तो सबसे पहले देखिए इसके फ्रंट में आते हैं, तो यहां पे जो फ्रंट में आप सस्पेंशन देख रहे हैं ये आपको टेलीस्कोपिक, यहां पे आपको 120mm का फ्रंट ट्रेवल सस्पेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों इसके बाद जो इसका फ्रंट टायर है और पीछे का टायर यानी आगे पीछे दोनों का टायर आपको 80/100 का मिलेगा और अच्छी बात यह है कि दोनों ही टायर आपको 18 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं, तो इस चीज को गौर कर लीजिएगा कि आपको दोनों ही टायर ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक अपडेट है, काफी अच्छी बात है। और यहां पे आपको IBS मिलता है यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, तो अगर आप पिछला वाला ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो अगला ब्रेक भी उसमें इंक्लूड होता है, तो ये काफी सही चीज है। आपको ब्रेकिंग को लेकर लगभग सारी बाइक्स जितनी भी बाइक्स है ना उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो IBS होने की वजह से आपको काफी अच्छी ब्रेकिंग मिल जाएगी। फ्रंट पे देखिए यहां पे जो आपको बल्ब मिलता है ये हैलोजन बल्ब है, हमें यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद थी कि BS6 आई स्मार्ट अगर आती है तो उसमें शायद LED जैसा कुछ सेटअप देखने को मिलेगा, बट LED जैसा कुछ सेटअप नहीं है। यहाँ पे आपको 35/35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, उजाला इसका ठीक ठाक लगता है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो आपको बहुत कम फ्लेक्सिबल देखने को मिलेंगे, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और यहाँ पे हीरो का जो है आपको लोगो देखने को मिल जाता है। तो गाइस हम अगर बात कर रहे थे इसके IBS का, तो IBS से एक चीज़ आपको और बता दूँ कि इसमें आपको दो मॉडल मिलेंगे, डिस्क और ड्रम। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ड्रम मॉडल है, अगर आप डिस्क वेरिएंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएगा, तो जब यहाँ पे अगर डिस्क लगा होगा तो जो उसकी साइज होगी वो 240mm की होगी यानी 240mm की होगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अभी आप ड्रम देख रहे हैं तो इसकी साइज ऑब्वियसली 130mm है, यानी कि फ्रंट में और रियर में दोनों में आपको 130mm का ब्रेक देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद आते हैं इसके हैंडल बार पे, तो यहाँ पे देखिए स्विच क्वालिटी इसकी अच्छी आपको मिल जाती है, मिडल सेगमेंट की कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बाइक है। यहाँ पे आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और आपको हॉर्न लेफ्ट हैंडल बार पे मिल जाता है। इसका मिरर देखिए आपको डुअल टोनिंग के साथ आता है, काफी खूबसूरत लगता है। अगर आप इसका रेड कलर लेते हैं, रेड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो यहाँ पे अगर आप इसका रेड कलर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो मिरर बार मिलेगा वो रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगा। और यहाँ पे मीटर कंसोल आपको सेमी डिजिटल जिसे हम एनालॉग प्लस डिजिटल कहेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाता है आपको, ओडोमीटर और ट्रिप मीटर आपको जो है डिजिटल कंसोल में मिलेगा। और जो आपका स्पीडोमीटर है और फ्यूल गेज है ये आपको एनालॉग कंसोल में देखने को मिल जाएगा, तो ये भी एक अपडेट है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको 110cc सेगमेंट में आपको जो है यहाँ पे डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। और राइट हैंडल बार पे आपको I3S स्विच के साथ पावर स्टार्ट स्विच देखने को मिलता है। I3S जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूँ कि I3S में अगर आपकी बाइक आइडल पोजिशन पर रहती है यानी कि स्थिर अवस्था पर रहती है और आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपका इंजन ऑफ हो जाता है और जैसे आप क्लच का यूज़ करते हैं आपका इंजन रीस्टार्ट हो जाता है, तो इससे फ्यूल इकोनॉमी में काफ़ी फर्क पड़ता है, आपका फ्यूल जो है काफ़ी बचता है इससे, तो ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे देखिए इसका फ्यूल टैंक है, ये भी आपको डुअल टोनिंग ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है। यहाँ पे आपको स्प्लेंडर लिखा हुआ मिलेगा। और फ्यूल टैंक की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूँ कि इसमें आपको 9.5 लीटर यानी कि 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें मिलेगा आपको, आप लगभग इसमें 9.5 लीटर फ्यूल फिल करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए FI की स्टिकरिंग आपको मिल जाती है यानी इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है, कार्बोरेटर सिस्टम पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो फ्यूल इंजेक्शन क्या होता है तो जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के थ्रू आपके जो है फ्यूल की जो है जितनी आवश्यकता होगी आपके इंजन को उतना ही उसे फ्यूल जो है प्रोवाइड किया जाएगा, तो इससे भी माइलेज पे बहुत फर्क पड़ता है, आपका माइलेज पहले से काफी बेहतर हो जाएगा। और गाइस अब माइलेज की बात हो ही रही तो मैं आपको बता दूं कि मान के चलिए कि इसमें आपको 60 के ऊपर का माइलेज आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इसे एवरेज में स्पीड में अगर रन करते हैं तो आपको 60 के ऊपर कितना भी माइलेज मिल जाएगा, क्योंकि देखिए अभी ये बाइक नई है तो अगर आप इसका माइलेज टेस्ट करते भी है तो आपको एग्जैक्ट माइलेज नहीं
मिल पाएगा। तो जैसे ही बाइक की दो तीन सर्विसिंग हो जाएगी इसके बाद समझ में आएगा कि इसका एग्जैक्ट माइलेज कितना हमें मिल पाता है। सीटिंग कंफर्ट मिडिल सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी सही है क्योंकि ये बाइक डेली कम्यूटर बाइक में काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है और डेली कम्यूट में अगर आप डेली इसका इस्तेमाल करना चाहें तो ये बाइक काफ़ी सही है। और कमेंट सेक्शन में आप बताते चलिएगा कि जो चीज़ें इसमें मिल रही हैं आपको 110 सीसी के हिसाब से वो कितनी सही हैं। अब हम मैं इंजन की थोड़ी सी बात आपको बता दूँ, इसमें आपको 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड 113.2 सीसी यानी 113.2 सीसी का इंजन इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो मैक्स पावर आपको मिलेगी वो 9.1 पीएस की मिलेगी 7500 आरपीएम पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको 9.89 न्यूटन मीटर का 5500 आरपीएम पे। तो पावर और टॉर्क आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। और पीछे वाले सस्पेंशन जो आप देख रहे हैं इसकी बात करूँ तो ये आपको ट्विन शॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। जैसे हम इसका टेस्ट राइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो सस्पेंशन क्वालिटी वो कैसी है। लेकिन जो इसका ग्राउंड क्लीयरेंस है वो आपको 180 mm का मिलेगा 180 mm का, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आप इस बाइक के साथ ऑफ रोडिंग कर पाएंगे, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। चलिए इसके बाद फटाफट बता देते हैं इसके हम ब्रेक्स मैंने आपको बता दिए हैं, हम सेंसर की बात बता दें आपको कि जिसमें आपको जो नए सेंसर मिलने वाले हैं 6 नए सेंसर जो कि FI पे बेस्ड हैं, उसमें जो पहला सेंसर आपको प्रेशर सेंसर मिलेगा, पोजीशन सेंसर मिलेगा, ऑक्सीजन सेंसर मिलेगा, एयर टेम्परेचर सेंसर मिलेगा, ऑयल टेम्परेचर सेंसर मिलेगा, और सबसे लास्ट सेंसर है वो एंगल सस्पेंसर है जो कि राइडिंग क्वालिटी को काफ़ी इंप्रूव करता है। अब ये 6 सस्पेंसर के बारे में अगर हम एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपको इन सेंसर्स के बारे में जानना है कि डिटेल्स में क्या है इन सेंसर में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे बोलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बता देंगे इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जिसमें आपको टॉर्क मिलता है वो 10% बढ़ चुका है टॉर्क, तो टॉर्क बढ़ने की वजह से आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो थोड़ा सा बेहतर मिलेगी। और सारी इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में मैंने आपको दे दी। इसका जो एग्जॉस्ट नोट है मतलब कि जो साइलेंसर से जो आवाज़ आती है, इसके इंजन से जो आवाज़ आती है, वो आप वीडियो को लास्ट में देख लीजिएगा। फटाफट मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। तो गाइस अगर प्राइस की बात करें तो जो अगर आप इसका ड्रम मॉडल लेते हैं तो जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस चल रही है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में वो लगभग 65,300 यानी 65,300 के करीबन है। और अगर आप इसका कंप्लीट प्राइस जानना चाहते हैं तो एक अंदाजे से मैं आपको बता दूं कि 78,000 से 82,000 यानी कि 78,000 टू 82,000 के बीच में आपको ये कंप्लीट बाइक मिल जाएगी इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद। और अगर आप इसका डिस्क मॉडल लेते हैं तो आप उसमें 2,000 और ऐड कर दीजिए मतलब कि 82,000 से 86,000 के बीच में आपको इसका डिस्क मॉडल जो है कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। तो ये इसकी प्राइस भी होगी जो मैंने आपको बता दी। कैसी लगी ये बाइक और कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ और इसका एग्जॉस्ट नोट आप सुन के ही जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।